हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। एंड गाइज, आज की इस वीडियो पे अपन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। अगर सभी भाई जिम लवर है, वर्कआउट करते हैं, तो उन भाइयों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई इस वीडियो पर आपको मतलब चार प्रोटीन के सोर्स शेयर करने वाले हैं जो बंदे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, जो बंदे जिम जाते हैं। और भाई बहुत सारे बंदे क्या गलती करते हैं ना कि वो वर्कआउट बढ़िया करते हैं, फॉलो करते हैं, बट भाई वो अपनी डाइट पे मतलब फोकस नहीं करते। और भाई अगर आपकी डाइट में फोकस अगर आप नहीं करेंगे तो भाई आपकी मसल्स ग्रो कभी भी नहीं होने वाली है। और डाइट का मतलब ये नहीं कि भाई तीन टाइम भाई अपन घर में खाना खा रहे हैं, बस खा रहे हैं, तो भाई घर के खाने से अगर बॉडी बनती ना तो भाई अपने जो हिंदुस्तान में जितने भाई हैं ना, सभी फिटनेस वाले घूमते, सभी भाई बॉडी बिल्डर होते, सभी के पास 16 का डोला होता। बट भाई ऐसा कुछ नहीं है। और आपको पता होगा कि भाई बॉडी बनाने के लिए हमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन मतलब लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़, अब यहाँ पे एक बात और उठती है कि मतलब बहुत सारे भाइयों के दिमाग में ये मिथ्स आ जाएंगे कि यार हम प्रोटीन नहीं अफोर्ड कर सकते, प्रोटीन नहीं खरीद सकते। तो भाई उन सभी भाइयों को यही लगता है कि यार हम सप्लीमेंट लेंगे तभी हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, बट भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अपने इंडिया में ऐसी बहुत सारी डाइट हैं जिनमें ईजिली आप एक ही जगह से, ठीक है, एक ही जगह से आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। क्योंकि भाई आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं बनना, आपको एक नॉर्मल फिटनेस मेंटेन रखना। ठीक है, अगर आप लोग भी मेरी तरह एक फिटनेस फ्रीक हैं तो भाई आपको नॉर्मल एक फिटनेस मेंटेन रखना है। तो भाई ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि हम ये खाएँ वो खाएँ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं। वैसे तो भाई प्रोटीन की मतलब बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। ठीक है, अगर हम काउंट करें ना तो मतलब बहुत सारे अपने इंडियन डाइट जो है हमारी, उसमें बहुत सारी डाइट ऐसी जिसमें हमें इजीली प्रोटीन मिल जाएगा। बट भाई आज की इस वीडियो में आपको ज़्यादा सोर्सेज नहीं शेयर करने वाले, ठीक है, सिर्फ चार सोर्स भाई आपको शेयर करेंगे इजीली। जो भाई नॉनवेज खाता है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो बंदा वेज खाता है उसके लिए भी। तो बिना देरी किए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले आपको नॉनवेज के हम सिर्फ दो सोर्स बताने वाले भाई जिससे आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इजीली पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अपन सबसे पहले नंबर पर रखें भाई एग्स। तो भाई एग्स एक बहुत ही सस्ता प्रोटीन का सोर्स होता है, जो भाई वर्कआउट करता है, जो बंदा जिम जाता है उसके लिए भाई बहुत ही सस्ता प्रोटीन का सोर्स होता है एग्स। और भाई एक एग्स में होता है 6 ग्राम प्रोटीन। अगर आप बीच वाले योग को बाहर कर देंगे तो भाई 4 ग्राम ईजिली आपको एकदम क्लीन प्रोटीन बचेगा। तो जैसे कि अगर आपको भाई 24 ग्राम प्रोटीन खाना है, तो आप जैसे अगर होल एग खा रहे हैं, ठीक है, डेली होल एग अगर आप खा रहे हैं, तो भाई 6 चौक 24, मतलब 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन एक ही जगह से मिल जाएगा। बट भाई अगर आप योग को बाहर करके खाते हैं तो भाई आपको 6 अंडे खाने पड़ेंगे। ठीक है, 6 अंडे अगर आप सिर्फ 6 वाइट एग अगर खा रहे हैं तो भाई आपकी 24 से 25 ग्राम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो भाई ये बहुत ही सस्ता सोर्स है जो बंदा वर्कआउट करता है उसके लिए, और भाई ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। अगर आप अभी तो इस टाइम भाई गर्मी चल रही है, और अगर आप मार्केट में जाएंगे तो भाई 140 या फिर 150 के आसपास आपको एक ट्रे अंडा मिल जाएगा, और भाई इजीली अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं और अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो गाइस, अब अपन दूसरे सोर्स में रखने वाले चिकन। तो भाई जो बंदा नॉनवेज खाता है, ठीक है, जो बंदा वर्कआउट करता है, हार्ड वर्क करता है, और भाई जो बंदा नॉनवेज खाता है भाई उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सोर्स है मसल बिल्डिंग के लिए। तो यार ये काफ़ी चीप सोर्स है, काफ़ी अफोर्डेबल है, ज़्यादा महंगा नहीं भाई। और कहीं कहीं के मार्केट में भाई थोड़ा महंगा होता है और कहीं कहीं के मार्केट में थोड़ा सस्ता होता है, तो भाई कोई ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी 60, 65, 70, ठीक है, इसके अंदर ही होगा, ज़्यादा महंगा नहीं होने वाला। तो भाई अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप अपनी सारा दिन की एक मील में, चाहे आप लंच में रख सकते हैं, चाहे आप पोस्ट वर्कआउट में रख सकते हैं, डेली लाइफ की एक मील में भाई चिकन को ज़रूर ऐड करें। और भाई अगर 250 ग्राम आप चिकन ऐड करते हैं, ठीक है, तो 250 ग्राम चिकन में हमें मिलता है 65 ग्राम प्रोटीन, 60 से 65 ग्राम प्रोटीन भाई मिलता है, जो कि भाई आपकी एक ही जगह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी इजीली। तो जो बंदा भाई वर्कआउट करता है, अच्छा हार्डवर्क करता है, वो अपनी एक मील में इसको ज़रूर ऐड करें। तो गाइस, नॉन वेज का सिस्टम तो अपना हो गया, ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं वेज सोर्स के बारे में। तो इसमें भी आपको हम दो सोर्स बताने वाले जो कि अफोर्डेबल होंगे, जिसमें से हमारा एक सोर्स है जो कि थोड़ा सा भाई महंगा हो सकता है। बट भाई अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, वर्कआउट करते हैं, और भाई अगर आप नशा पत्ती नहीं करते, तो भाई जो बंदा नशा पत्ती करता है ना, इससे तो कई गुना ज़्यादा भाई उस बंदे का पैसा खर्च हो जाता है। सो इस वजह से भाई अगर आपको अपनी फिजिक को मेंटेन करना है तो भाई थोड़े बड़े भाई आपको खर्चे करने ही पड़ेंगे। तो भाई इसमें हम सबसे पहले नंबर पे बात कर लेते हैं पनीर। तो भाई, तो गाइस जो बंदा नॉनवेज नहीं खाता उसके लिए पनीर बहुत ही भाई बेस्ट सोर्स है। तो पनीर 200 ग्राम पनीर में भाई हमें इजीली 40 से 45 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और भाई एक चीज़ और क्लियर करनी थी, थोड़ा इस मील में हमें फैट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बट भाई ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा। अगर आप डेली वर्कआउट करते हैं भाई कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और भाई थोड़ा सा भाई फैट खाना भी जरूर, क्योंकि हमारी स्किन के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई जो बंदा वर्कआउट करता है और जो बंदा नॉनवेज नहीं खाता उसके लिए काफ़ी बेस्ट सोर्स है, अपने डेली मील में इसको एक बार ज़रूर ऐड करें।
तो गाइस प्रोटीन के हम लास्ट सोर्स में भाई बात करने वाले सप्लीमेंट। तो भाई सप्लीमेंट को लेके मतलब हमारे हिंदुस्तान में देखा होगा, सुना भी होगा आपने कि मतलब बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे अफवाहें उड़ रही कि भाई तू सप्लीमेंट खा रहा तेरी किडनी ख़राब हो जाएगी, तेरी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस दुनिया में भाई जितनी सारी चीज़ें बनी सारी चीज़ों का भाई एक लिमिट है, मतलब कोई भी चीज़ ख़राब नहीं बनी। और भाई मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सारी चीज़ें एक लिमिट में रख सकते हैं तो भाई इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ बनी ही नहीं जो आपके लिए ख़राब हो, हानिकारक हो। तो भाई इसलिए हम इस सोर्स में सबसे लास्ट में रखें भाई सप्लीमेंट। तो भाई सप्लीमेंट में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपको क्लियर करना था, मतलब बहुत सारे भाइयों का DM आता है कि भाई आप कोई सप्लीमेंट सजेस्ट कर दो। तो भाई देखो, मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार कोई सस्ता सप्लीमेंट बताओ भाई। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, एक सिंपल सी बात है भाई, जो सप्लीमेंट सस्ता होता है ठीक है वो अच्छा नहीं होता, और जो अच्छा होता वो सस्ता नहीं होता, 100 की सीधी बात। तो इसलिए भाई अगर आपको प्रोटीन लेना है तो भाई थोड़ा अच्छा सा ब्रांड ले, और भाई अफवाहों में मत जाए कि किडनी ख़राब होता है, ये होता वो होता है, भाई ऐसा कुछ नहीं। तो भाई लास्ट में यही सोर्स रखने वाले, जिस बंदे के पास मतलब अच्छे पैसे हैं तो भाई वो सप्लीमेंट अपना अफोर्ड कर सकता है और अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में भाई आराम से ले सकता है। भाई सप्लीमेंट में आपको एक स्कूप में 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गाइस बस यही था आज मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। भाई वीडियो अच्छी लगी तो बस लाइक कमेंट शेयर जो भी करना हो कर देना। और हाँ यार, कई दिन हो गए थे मैंने अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाली, और अभी थोड़ा स्टेबल नहीं हो पा रहे, बट भाई बहुत जल्दी रेगुलर होने वाले अपने चैनल पर। तो बस भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना। और हाँ यार, वीडियो के थ्रू आप मतलब कमेंट के थ्रू आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, कौन सी वीडियो नहीं बनानी चाहिए। और मैं भाई उम्मीद करता हूँ कि अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा पूरी वीडियो बनाने के लिए। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद और वंदे मातरम।